हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की 5 मिनट सीरीज में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा कॉमर्स और मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ, जो कि फंड फ्लो स्टेटमेंट से डायरेक्टली रिलेट करता है। ये टॉपिक है शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो आप सभी ने फंड फ्लो स्टेटमेंट का कंसेप्ट पढ़ा होगा, काफी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं उन्हें ये कंसेप्ट थोड़ा ट्रिकी लगता है। अब उसी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा है शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो इस शेड्यूल को आज के छोटे से लेक्चर में समझने की कोशिश हम करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से एक बार आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बता देता हूं, जो कि अवेलेबल हैं आने वाले यूजीसी नेट जून 2020 एग्जामिनेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, कॉमर्स मैनेजमेंट पेपर टू के लिए फ्री और पेड कोर्सेज दोनों ही अवेलेबल हैं। फ्री कोर्सेज में आप समरी नोट्स जो हैं एक्सेस कर सकते हैं हमारे सभी यूनिट्स पे कॉमर्स और मैनेजमेंट के। फ्री ओवरव्यू, फ्री समरी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट और हमारी ऐप पे भी। इसके अलावा हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर्स का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, जिसमें आपको यूनिट वाइज कवरेज मिलेगी अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन। और ढेर सारी प्रैक्टिस के लिए हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपके पेपर वन और पेपर टू के एमसीक्यूज कवर होंगे। अराउंड 3500 एमसीक्यूज इसमें आपको मिलेंगे अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा हमारे पास है फुल वीडियो कोर्स, जिसमें सब कुछ कवर अप करवाया जाएगा कॉमर्स मैनेजमेंट पेपर टू का। और ये सभी कोर्सेज आप एक साथ भी परचेज कर सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे। चलिए फ्रेंड्स, तो आते हैं टॉपिक पे वापस। टॉपिक का नाम है शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हम अपनी फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, तो सबसे पहले हम एक शेड्यूल तैयार करते हैं, जिसे नाम देते हैं शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो इस शेड्यूल के अंदर हम क्या देखते हैं, हम वर्किंग कैपिटल के कॉम्पोनेंट्स को देखते हैं। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को हम देखते हैं। अगर हमारे करंट एसेट्स जो हैं उसमें कुछ चेंज आया है, करंट लायबिलिटीज में कुछ चेंज आया है ड्यूरिंग द टू बैलेंस शीट डेट्स, तो हम क्या करते हैं, इस बार की बैलेंस शीट उठाते हैं और पिछली बार की बैलेंस शीट उठाते हैं, वहां पे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि हमारी वर्किंग कैपिटल में नेट इंक्रीज या फिर डिक्रीज क्या चीज आई है। देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे फंड फ्लो। अगर आपकी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो गई तो मतलब फंड जो है वर्किंग कैपिटल में लग गया। अगर वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो गई है तो इसका मतलब है आपने अपना फंड वर्किंग कैपिटल से निकाल लिया। तो मैं कह सकता हूं इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज एन एप्लीकेशन ऑफ फंड, व्हाइल डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज अ सोर्स ऑफ फंड। तो यहां पे बताया गया कि अगर आपके करंट एसेट्स में इंक्रीज होगा तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, डिक्रीज होगा तो घटेगी। करंट लायबिलिटीज में इंक्रीज होगा तो वर्किंग कैपिटल घटेगी, करंट लायबिलिटीज में डिक्रीज होगा तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। बहुत सिंपल सी बातें यहां पे कही गई हैं। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा दिखता है हमारा शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो जैसे मैंने आपको बताया, हम दो बैलेंस शीट उठा लेते हैं, इस साल की और पिछली बार की। तो यहाँ पे दो सालों की बैलेंस शीट आपको दे रखी है, इसमें हम ढूंढते हैं कौन कौन से करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज हैं। तो ये आपके हैं करंट एसेट्स और माई डियर फ्रेंड्स ये है आपकी करंट लायबिलिटी। तो इन दोनों को देखते हुए हम अपना एक शेड्यूल तैयार यहाँ पे कर लेते हैं, देखते हैं कैसा लगता है ये शेड्यूल हमारा। तो ये शेड्यूल है हमारा ये। तो एक तरफ हमने लिख लिया करंट एसेट्स, करंट एसेट्स 2009 में कितने, 2010 में कितने, मतलब दो सालों के हमने जो है फिगर्स यहां पे उठाकर लिख ली। जो बढ़ गया उसे इंक्रीज कॉलम में डाल दिया, जो घट गया उसे डिक्रीज कॉलम में हमने डाल दिया। ऐसे ही करंट लायबिलिटीज के साथ हमने किया और फाइनली हमने देखा कि नेट इंक्रीज हमारा क्या निकल कर आया वर्किंग कैपिटल में। तो हमने निकाली वर्किंग कैपिटल 2009 में आ रही थी 255 और 2010 में आ रही थी 355। तो अल्टीमेटली माय डियर फ्रेंड्स, हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ गई है 1 लाख से। तो इसका मतलब है हमने अपने फंड को वर्किंग कैपिटल में अप्लाई कर दिया। अब आप नेक्स्ट स्टेप में अपनी फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें एप्लीकेशन ऑफ फंड में नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को भी डाल देंगे। चलिए, तो जो हमारा शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है, अगर हम उसे कंपेयर करें हमारी फंड फ्लो स्टेटमेंट से, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो शेड्यूल है पार्ट बन जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट का। फंड फ्लो स्टेटमेंट एक बड़ी स्टेटमेंट है, उसका एक पार्ट है शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। और फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर तो हम क्या देखते हैं, ब्रॉडर फ्लो ऑफ फंड्स जो है देखते हैं, और इसे बनाने के लिए हम शेड्यूल का यूज कर लेते हैं। और अगर मैं बात करूं बेसिस की, तो शेड्यूल बनाना बहुत आसान है। दो बैलेंस शीट्स उठाइए जैसे हमने पीछे उठाई, उसके बेसिस पे आप देख लीजिए आपकी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई या फिर डिक्रीज हो गई।
और फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको ये शेड्यूल भी चाहिए, और इसके अलावा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना पड़ेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। तो बहुत आपको जो है एनालिसिस करनी पड़ती है अलग अलग चीजों की अपनी फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने के लिए। तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारी ये शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है, ये केवल करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के बेसिस पे प्रिपेयर्ड रहती है, और जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसमें हमारी और ढेर सारी चीजें आ जाती हैं। तो हमारी नॉन करंट एसेट्स या फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज को भी कंसिडर किया जाता है अलॉन्ग विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये जो हमारा शेड्यूल है फंड फ्लो स्टेटमेंट से डिफरेंट हो जाता है, या फिर मैं कहूँ उसका एक पार्ट बनकर जो है रह जाता है। चलिए तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट्स के थ्रू। वेट करेंगे आपके कमेंट्स का, देखते हैं कौन इस क्वेश्चन का सही सही आंसर हमें प्रोवाइड करता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना रेगुलर अपडेट्स के लिए। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर करना, क्योंकि नॉलेज को शेयर करने से हम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है हमारे कोर्सेज से जुड़ी हुई तो आप हमें मेल कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं, ये नंबर आपको यहाँ पे दिया है। इसके अलावा हमारे ढेर सारे कंटेंट के लिए आप हमारी जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे फ्रीली अवेलेबल है, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे कोर्सेज के बारे में ढेर सारी जानकारी के लिए आप हमारी जो वेबसाइट है www.everstudy.co.in वो भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।